राम मज सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुगदानी। समस्त चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। मानव में और पशु इत्यादि में इंद्रियों का कोई भेद नहीं है, न इंद्रिय भोगों का भेद है। पशु भी आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से चखता है, त्वक से स्पर्श करता है, मन से सोचता है, भूख लगने पर अपना खाद्य खाता है, उसको भी वही तृप्ति होती है जो हमको होती है। तो इंद्रियों में और इंद्रिय के भोगों में और इंद्रिय के भोगों से प्राप्त होने वाले सुख में पशुओं में और हमें कोई भेद नहीं। हम सभी मानव मात्र बड़े से बड़े और पशु छोटे से छोटे, इस विषय में सब एक से हैं। दध्यंग ऋषि ने इंद्र से कहा, दधीचि ने इंद्र से कहा कि बताओ तुम और कुत्ते में क्या भेद है। तो ऋषि थे, स्पष्ट वक्ता थे, किसी से कुछ लेना देना था नहीं। भोगों के संबंध के बाद जब आई तब कहा कि तुम में और कुत्ते में क्या भेद है। तुमको अपने इंद्रलोक में देवासन पर जो सुख मिलता है, कुत्ता अपने घोड़े पर बैठता है उसी आनंद से, कुत्ते को भी वही सुख है, तुमको भी वही सुख है, इंद्राणी के साथ कुत्ती के साथ कोई भेद नहीं। तो मनुष्य में और पशु में जहां भेद होता है, वहां एक विशेष यही बात रहती है कि इंद्रिय और इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त मनुष्य के पास एक ऐसी चीज है जिसका सदुपयोग करके मनुष्य अपना भविष्य सुधार सकता है। पशु को भविष्य का पता नहीं है और पशु के पास भविष्य का सुधार करने की, अपने अनुकूल सुखमय भविष्य बनाने की कुशलता पशु में नहीं है। पशु केवल भूतकाल को याद रखता है, वैर विरोध को इत्यादि को, जान पहचान को, परिचय को, और वर्तमान में पशु के सामने जो है उससे पशु अपना व्यवहार करता है। भविष्य का पशु को बहुत कम पता है और पशु के पास उस वस्तु की कमी है जिससे वो बुरे भले का, सत्य असत्य का, नित्य अनित्य का, पवित्र अपवित्र का भेद करके अच्छे को ग्रहण कर ले, बुरे को त्याग दे, ये वस्तु नहीं। इस वस्तु का नाम है विवेक, इस वस्तु का नाम है विवेक। किसी से ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य विवेक भ्रष्ट है, जिस मनुष्य का विवेक नाश हो गया उसका शतमुखी पतन होता है। मनुष्य में विवेक ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मनुष्यत्व को कायम रखता है और बढ़ाता है और मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। मनुष्य में मनुष्यता को अक्षुण्ण रखने वाली वस्तु और मनुष्यता से देवत्व की ओर ले जाने वाली वस्तु विवेक है। ये विवेक जिस मनुष्य में नहीं,
उस मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं। विवेक क्या सिखाता है, ये बहुत समझने का विषय। विवेक क्या सिखाता है, विवेक अच्छे बुरे का, नित्य अनित्य का, सत्य असत्य का, जड़ चेतन का, शुभ अशुभ का भेद करके, विश्लेषण करके बता देता है ये बुरा है ये अच्छा है, और फिर कहता है अच्छे को ग्रहण करो बुरे को छोड़ो। तो जगत में जहां मिथ्या अनित्य सत्य असत्य वस्तु का विचार करते हैं विवेक से, वहां निश्चय हो जाता है एक परमात्मा सत है और सत असत है। परमात्मा के स्वरूप का परिचय प्राप्त करना ये मनुष्य का धर्म है, और परमात्मा के स्वरूप से अपरिचित रहना ये मनुष्य का धर्म नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने की साधना में संलग्न रहना ये मनुष्य का कर्तव्य है, और परमात्मा से दूर ले जाने वाले दुखों के समुद्र में ले जाकर के डाल देने वाले कार्यों से, साधनों से, चेष्टाओं से अलग रहना कर्तव्य है। तो इससे सिद्ध होता है कि जिस मनुष्य का विवेक जागृत है उस मनुष्य के जीवन की गति भगवान की ओर होनी चाहिए, ये सिद्ध है। क्योंकि सत भगवान है, पवित्र भगवान है, परम सुख भगवान है, परम शांति भगवान है, और भगवान की प्राप्ति इस रूप में मनुष्य चाहता है उसका विवेक बताता है। तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा जिस मनुष्य के जागृत होती उस मनुष्य की मानवता का जागरण होता। जिस मनुष्य में भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत नहीं वो मनुष्य करी बात तो है मनुष्य नहीं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति ही, ये शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के रूप में वो पशु विचरता है। और यदि कहीं मनुष्य का बुद्धि कौशल पशुता और पैशाचिकता की वृद्धि में लग गया है फिर तो कहना ही क्या है। किसी पशु ने, किसी हिंसक पशु ने आज तक अणु बम हाइड्रोजन बम बनाया हो तो बताइए, किसी बड़े से बड़े हिंसक पशु के बुद्धि में ये बात नहीं आई। वो तो जो उसके सामने भक्ष्य आता है उसको चाहे पेट भरकर खा ले, वो चाहे एक जानवर हो चाहे हजार जानवर हो, जितना उसका पेट खाली हो, पर पशु योजना नहीं बना सकता, पशु जीवों के मारने की योजना नहीं बना सकता। हमारी सरकार ने योजना बनाई, 14 करोड़ रुपए रखे हैं नई इस पंचवर्षीय योजना में मछली इंडस्ट्री के लिए। मछली इंडस्ट्री सुना होगा नाम, ये नया नाम है इतिहास में, मछली के लिए कोई इंडस्ट्री होती है। ये राजकीय पैमाने पर कानूनन हिंसा का इतना बड़ा प्रोग्राम शायद किसी ने नहीं बनाया। तो दृष्टिकोण का अंतर, अब उसका अर्थ क्या है, मछलियां अधिक से अधिक पैदा की जाएं। पैदा क्यों की जाए, तालाबों को नदियों को भर देने के लिए जिसमें नहा न सके आदमी, ना ना। मछली इंडस्ट्री का अर्थ है मछली खाने वाले लोग अधिक से अधिक पैदा किए जाएं, तब मछली इंडस्ट्री सक्सेस होगी। केवल मछलियां पैदा करनी और उनको खाने वाले न हुए तो मछली इंडस्ट्री फेल हो गई। तो ये किसी भी पशु ने, किसी भी हिंसक जानवर ने
ये योजना बनाई हो तो बताइए, बना नहीं सकता। ये जब मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का बुद्धि कौशल, मनुष्य की चातुरी, मनुष्य की योजना शक्ति, ये जब किसी बुराई में प्रवृत्त हो जाती है तो लाखों लाखों पशुओं से बढ़कर वो मनुष्य जगत के लिए खूंखार बन जाता है। हजार हजार पशु इकट्ठे होकर के जापान के शहर को, होरिशिमा को 10 मिनट में नष्ट नहीं कर सकते तो बताइए। तो एकदम ने मनुष्य की बुद्धि कौशल के एक परिणाम ने, एक फल ने लाखों आदमियों के नगरों को क्षण में नष्ट कर दिया, जलाकर खाक कर दिया। ये मनुष्य की बुद्धि का परिणाम। तो मनुष्य की बुद्धि बड़ी अच्छी चीज, जब वो मानवता की वृद्धि में लगे, भगवान की ओर लग जाए, और मनुष्य की बुद्धि कहीं उल्टी ओर लग जाए तो साहब हजारों दानवों का काम, हजारों पिशाचों का काम, हजारों राक्षसों का काम मनुष्य की बुद्धि करती है। ये हमारे सामने है आज। तो ये भी जब विवेक खोकर विनाश में लगती है, बुरे में लगती है, असत में लगती है, तो मानव की मानवता को खो देती है। मानव की मानवता की सिद्धि उसी में है जब उसका जीवन भगवान की ओर लगता है। यही तम कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वरूप अंत ही दुखदाई। नर तम पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ विषले ही। पाई कबहू भल कही न कोई, गुंजा गई परस मनी खोई। कहते हैं कि शरीर का, मानव शरीर का फल विषय नहीं, ये तो तमाम पशु शरीरों में प्राप्त है ही प्राप्त है। मानव शरीर की तो विशेषता इसी में है कि इस विषयाशक्ति से ऊपर उठकर भगवान की ओर अपने मन को लगाए। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगाता है, उसके लिए कहा पलट सुधा ते सठ विषले ही। ऐसे लोग अमृत को दे करके बदले में जहर लेते हैं, जहर लेते हैं। उन्हें कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता। जो स्पर्श मनी पारस दे करके बदले में वो घूंसी चिरमी वो ले ले, उसे कोई बुद्धिमान नहीं कहता। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर जो विषयों को ले लेता है भगवान के बदले में, वो इतने बड़े घाटे में रहता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कहा भी उसको माँ ने पैदा क्यों किया। सुमित्रा मैया के पास लक्ष्मण जी गए। भगवान राम ने पहले कहा तुम लक्ष्मण रहो घर में। लक्ष्मण जी ने जो बात कही राम उससे बड़े प्रभावित। लक्ष्मण ने कहा मैं धर्म वर्म नहीं जानता, मैंने तो लड़कपन से आपको जाना है। राम मान गए, पर राम ने कहा अच्छा माँ से पूछे आओ। लक्ष्मण का दिल दहला, माँ है ना, और माँ कह देगी मत जाओ राम के साथ वन में, मत जाओ तो राम ले जाएंगे नहीं, मैं तो चला जाऊंगा माँ की बात न मान करके। पर राम ले जाएंगे नहीं, राम ना कह देंगे मैं जाऊंगा नहीं, जा सकूंगा नहीं। बड़ा मन में डर, जल्दी से गए सकुचाते हुए माँ से कहा। माँ का तो हृदय खिल गया,
माँ ने कहा लक्ष्मण तुम्हारा भाग्य खुल गया, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि, तुम्हारे भाग्य से राम बन जाते हैं बड़ा सुंदर, तुम राम के साथ जाओ, जहाँ राम वहीं अयोध्या है, राम को पिता दशरथ मानो, सीता को माता मानो और अपना जीवन अर्पण कर दो उनकी सेवा में। वहां एक बड़ी सुंदर चौपाई है, कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, नतरु बाज भली बाज बियानी, राम दुमुख सुत ते हित जानी। कहा भाई संसार में पुत्रवती युवती, युवती मानवी स्त्री को कहते हैं, भला गधी को घोड़ी को गाय को जवान गाय को युवती नहीं कहते और पुत्रवती भी नहीं कहते। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। संसार में वही स्त्री वही पुत्रवती युवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। नतरु बाज वलि बाज बियानी, ये जो बियानी शब्द है ये बड़े मर्म का है। गाय ब्याई, कुतिया ब्याई, गधी ब्याई, घोड़ी ब्याई कहते हैं ना जब संतान होती उसके, पर किसी मनुष्य स्त्री के संतान होता है तो कोई कहता है कि मानवी ब्याई, ये कहता ना पुत्र हुआ पुत्री हुई ऐसा कहेंगे, ब्याई नहीं कहेंगे। जहां ब्याई कहते हैं वहां पशुता की सूचना मिलती है। तो नतर बाज भले बाज बियानी, अच्छा होता है बाज रहती वो ब्याई क्यों, अर्थात उसने पशु पैदा क्यों किया। ब्याई का अर्थ ही है पशु मादा ब्याती है, तो पशु मादा ब्याई तो पशु पैदा किया, तो नतर बाज भले बाज बियानी, राम विमुख सुपत हित जानी, जो राम विमुख पुत्र से अपना हित मांगती है वो तो पशु मादा की तरह व्यर्थ ही ब्याई संतान पैदा किया। तो संतान माता का संतान वास्तविक कौन, मानव संतान जिसमें मानवता हो, और मानवता का चाहे किस बात को स्वीकार न करे आज, मानवता का एक ही लक्षण है कि मानव के जीवन की गति भगवान की ओर हो, चाहे भगवान का नाम कुछ भी रहे, इसमें हमें आपत्ति नहीं। मानव का जीवन भगवान की ओर मुड़ा रहे, उसके जीवन का लक्ष्य भगवान हो भोग न हो, तब मानव की मानवता, नहीं तो मानवता में और पशुता में, इंद्रियों में और इंद्रियों के भोगों में तो कोई भेद है ही नहीं। मानव की मानवता की सिद्धि होती है भगवान की ओर लगने में। जब भगवान को लगेगा तब क्या होगा और भोगों की ओर लगेगा तब क्या होगा, ये आज के जगत में देख लीजिए। आज या और कभी, जब कभी जगत में मानव समाज का लक्ष्य भोग हुआ है, जब कभी हुआ है, तभी जगत में अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार ये फैले हैं और ये फैले बिना रह नहीं सकते। कि भगवान ने, भगवान से अर्जुन ने पूछा, महाराज जानते हैं पाप है, अतः केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन पिवार्षणेय बलादिवनियोजित। महाराज भगवान मन नहीं करता, इच्छा नहीं करती कि हम पाप करें, अनिच्छन नहीं, इच्छा न होने पर भी पापम चरति पुरुष, मनुष्य पाप का आचरण करता है। कैसे करता है, बलादिवनियोजित, मानो कोई बलात्कार से लगा रहा हो, जबरदस्ती कोई पाप करवा रहा हो, इस प्रकार से मनुष्य इच्छा न होने पर भी पाप का आचरण करता है।
तो महाराज बताइए कहने प्रयुक्त हो यम पाप कर, ये कौन लगाने वाला है? मनुष्य को इच्छा न होने पर भी पाप में लगाता कौन है, पाप करवाता कौन है? तो भगवान नहीं कहा भाग्य में पाप लिखे हैं, नहीं कहा, तो सीधा रास्ता था। सब तो कह देते भाग्य में लिखा है, मजदूर है, क्या करना। भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण संयुद्धव महाशनो महापात्मा विद्यनम वैरिणम। तुम्हारे अंदर बैरी बैठा है, तुमने बैरी को अपने मन में बसा रखा है और इतना प्रबल बैरी है कि सारे पापों की जड़, और वो खाते खाते उसका कभी पेट भरता ही नहीं। महाशन बोले महाराज वो कौन है? कहा वो विषय कामना है। विषय काम संसार के भोगों की कामना, ये जिसके हृदय में बैठी हुई है वो पाप से बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। वही पाप वही काम, ये बहुत समझने का विषय है। बोला आज ही बात हुई, एक ने कहा कि हमें गुस्सा बहुत आता है, क्यों आता है कारण बताइए। हमने कहा कि भाई तुम्हारी कामना पर चोट लगती होगी। ये भगवान ने कहा गुस्सा क्यों आता है, जब हमारी कामना प्रतिहत होती, हमारी चाही हुई चीज नहीं मिलती, हमारा मन चाह नहीं होता, हमारे अनुकूल कार्य नहीं होता, कामना ही क्रोध बनता है चोट खाकर, और कामना ही लोभ बनता है सफल होकर। ये नियम है, ये बिल्कुल भगवान ने एक स्तर बांध के बताया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भोज सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आठ बात बताई। मनुष्य विषयों का चिंतन करता है, चिंतन किए हुए विषयों में मन फंसता है, आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, चीज मिले, मिल जाने पर लोभ होता है, थोड़ी मिली और मिलनी चाहिए, और न मिलने पर गुस्सा आता है। गुस्सा क्रोध और लोभ पैदा करते हैं सम्मोह की मूर्खता, सम्मोह से पैदा होता है स्मृति भ्रंश, उससे पैदा होता है बुद्धिनाश, और बुद्धिनाश का फल होता है सर्वनाश। ये मनुष्य के गिरने का क्रम है, यूं गिरता है। तो भोगों की कामना जिसके मन में है, जिस मनुष्य के या जिस राष्ट्र के या जिस विश्व के, उसमें अनाचार भ्रष्टाचार पापाचार होगा ही। और भगवान की कामना जिसके मन में है, जिस राष्ट्र के जिस व्यक्ति के, तो वहां पापाचार अनाचार का विनाश होगा ही। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। इसलिए मानव यदि मानव होना चाहे तो भगवान की ओर मुड़े, मानव यदि बनना चाहे तो भगवान की ओर मुड़े। शांति कामना वालों को नहीं मिलती। विहाय कामान ये सर्वान तुमाश्च निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति मधिगच्छति सशांति मापनोति न काम कामी। काम कामी को भोग कामी को शांति नहीं मिल सकती, शांति बाहर से नहीं आती, अंदर है। तो इसलिए मनुष्य की मनुष्यता की सिद्धि है भगवान की ओर लगने में। जब तक नहीं लगेगा भोगों में लगे रहेगा, और भोगों की आज की हमारी योजना, योजना में कहीं भगवान का और आत्मिक उन्नति का नाम ही नहीं है। कम्युनिटी डेवलपमेंट करते हैं, अपने राष्ट्र का हम विकास करेंगे, विकास करेंगे धन से, विकास करेंगे खर्च बढ़ाकर, विकास करेंगे सड़कें बनाकर, विकास करेंगे, विकास करेंगे नहरें बनाकर, विकास करेंगे पाठशालाएं खोलकर, विकास करेंगे अस्पताल बनाकर, ये सब ठीक, इसका विरोध नहीं। पर अस्पताल में जाने वाले रोगी ही न बने, रोग पैदा न हो,
अदालतें जल्दी से जल्दी कम खर्च में फैसला कर दें। इसके साथ साथ अदालत में जाने वाले ही न पैदा हों, ऐसी चारित्रिक उन्नति हो कि सबको खाने को अपने आप मिलता रहे। ये जब नहीं देखेंगे, जड़ नहीं देखेंगे, तो होगा क्या? ये उन्नति रहेगी कई दिन? हिरण्यकश्यपु के राज में बड़ी उन्नति हुई, इनका विरोध नहीं हो रहा, ये सब होने चाहिए। हमारा जो धर्म है ना, ये महाराज इतना महान है, इस धर्म में चार पुरुषार्थ माने, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ को भी स्थान है और काम को भी स्थान है, पर अर्थ और काम हो धर्म नियंत्रित और उनका लक्ष्य हो मोक्ष, काम बन गए। ये तो अभ्युदय निशेष सिद्धि से धर्म, ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र तो है, जिसके द्वारा कुर्सियों मंगाऊ एक कुर्सी भैया, ये सर्वांगीण उन्नति हो, जिसके द्वारा समाज की सर्वांगीण उन्नति हो, अभ्युदय हो, अभ्युदय का सर्वांगीण उन्नति, और जिसके द्वारा निशेष की प्राप्ति हो, परम कल्याण मिले, उसका नाम धर्म। तो हमारे यहाँ सांसारिक उन्नति का विरोध नहीं, परंतु केवल सांसारिक भोगों की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य भी नहीं। सांसारिक भोगों की प्राप्ति जहाँ जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है, वहाँ मनुष्य मनुष्य नहीं रह सकता। वो पशु बनेगा, राक्षस बनेगा, असुर बनेगा, पिशाच बनेगा, कुछ भी बनेगा, वो नहीं रहेगा। तो ये एक सिद्ध बात है, जहाँ विषय कामना है वहाँ पर पाप होंगे ही, और जहाँ पाप होंगे वहाँ दुख होगा ही, और जहाँ भगवत प्राप्ति की कामना है, भगवान की ओर जीवन जा रहा है, वहाँ पापों का नाश होगा ही। तो पापों का नाश होगा तो दुख का नाश होगा ही। तो इस प्रकार से ये एक समझ लेने की चीज है कि मानव की मानवता की सिद्धि भगवान की ओर लगने में है, चाहे उस भगवान का नाम में कुछ भी रखे। मानव की मानवता भोगों के प्रवाह में बहने से नहीं रह सकती। तो आज का जगत जो उन्नति चाहता है, हमारी जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कहीं अध्यात्म को, चारित्रिक उन्नति को, कम से कम मानव धर्म को भी कहीं खास तौर पर स्थान नहीं है। हम जनता के जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं किस स्तर पर, कहाँ? जनता के जीवन को ऊंचा उठाना, सत्य में, अहिंसा में, विश्व प्रेम में, दया में, करुणा में, सेवा में, त्याग में, संयम में, इनमें ऊंचा उठाना चाहते हैं, या भोग में, इंद्रिय लिप्सा में, सिनेमा देखने में, मोटरों पर बैठने में, अच्छी सड़कों पर चलने में, केवल कॉलेजों में 5-5 जूते रखने में? ये महाराज आज के ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसकी व्याख्या करके देखिए, जिसके पास एक जूता है, या महाराज जी की तरफ से जो नंगे पांव चलते हैं, ये निम्न स्तर है, जीवन का उच्च स्तर नहीं। कहीं गमछा पहन करके ये जिंदगी नहीं करता, ऐसा लोग कहते हैं, विद्यार्थियों से बात मेरी हुई है, वो कहते हैं तुम्हारा नीचा स्तर है, कहीं गमछा पहन के ढूंढा मैंने हरिये नीचा स्तर, और पाखाने के नल से वहां से तद में नंगे होकर नहारिये ऊंचा स्तर। कहीं हाथ पैर धो करके जमीन पर बैठकर आसन पर और पत्तल में खा लिया तो नीचा स्तर, और कुर्सी पर बैठकर टेबल पर रखे हुए भोजन को कांटे चमचों से खा लिया तो ऊंचा स्तर। ये आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, बहुतों किसको मालूम होगा जो आजकल से परिचित हैं। हमारे यहाँ एक कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हुआ,
तो उनकी विदाई में भोज दिए गए। तो गोरखपुर के टाउन हॉल में भोज की तैयारी थी, बाहर लोन में कुर्सियां लगाई गई थी, तो कुछ बारिश आ गई। तो अब भोज बारिश में कैसे हो, तो अंदर हॉल में ले गए। गोरखपुर में हमारे टाउन हॉल का जो हॉल है छोटा है, उतने आदमी उसमें हम आते नहीं। तो हमारे एक मित्र वहां पर है, मिस्टर जाहिद हुसैन, वहां के अच्छे रईस हैं। उन्होंने कहा भाई जी तो हॉल अभी तक यूज करते, मैंने तो चिंता प्रकट की। मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं आप किस 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 सदी के आदमी है, हम अभी करते हैं लेटेस्ट जो आज का है वो उनका करिए। तो उन्होंने टेबलों पर सारे सामान सजवा दिए और कुछ छुरी रख दी, चमचियां रख दी और सारी कुर्सियां उठा दी। इसका क्या नाम भूल गया मैं, बफे डिनर। तो साहब अब वो सब घूमने लगे, घूम करके उठाने लगे, खाने लगे, जैसे पशु चरते हैं ना, पशु चरते हैं घूम घूम करके वो चरने लगे। अब साहब ये ऊंचा स्तर, हमारे एक बहुत सम्मान मित्र जो सरकारी ऊंचे पद पर आज हैं, नाम की आवश्यकता नहीं, हमारे पुराने मित्र, वो गोरखपुर में आए, हमने उनको भोजन करने के लिए बुलाया। तो टेबल तो हमने रखी थी, कुछ टेबल तो रखी थी, लेकिन अपने घर की रसोई बनी थी, दाल भात रोटी सब ये सब बनवाया। हमने दो एक खान समेत बुला रखे थे, शायद जरूरत पड़ जाए तो हम लोग उनको परसने लगे। तो वो जो सज्जन हमारे मित्र थे वो कुछ नहीं बोले, वो बड़े सहेले सज्जन, बोले ही नहीं। उनके बगल में दो एक और सज्जन उनके साथ ही कई थे, वो बैठे थे। तो हम लोग वो हमारे आदमी वो करछी से भात परस रहे थे, दाल परस रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को भोजन कराना तो आता नहीं, आज का इतिहास आप जानते नहीं, आज की चीज आप समझते नहीं। हमने कहा क्या, बोले चमची सबके पास है, आप थाली सामने कर दी, भात की थाली दाल की थाली ये जरूर थोड़ी उतना ले लेंगे अपनी चमची से, फिर आगे बढ़िए, फिर और आगे बढ़िए, फिर और आगे बढ़िए। सीधा कहा मैंने, मैंने सबकी जूठे सब खा ले हैं। अब ये ऊंचा स्तर, एक दिन के बाद मैं आपसे सत्य कहता हूँ, एक दिन के बाद रेल में हम यात्रा कर रहे थे, ऊंचे क्लास में थे, तो वो चाय देने वाले सब आए, बॉय बॉय कैसी बस का बॉय कहते हैं उसको, तो वो चाय वाय दे गए। तो उसके बाद मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर उतर गया था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लक्ष्मी नहीं था, मैं उस चाय की वो थाली प्लेट जो वापस ले गया उसके पीछे पीछे मैं ऐसे ही चला गया कोतवाल से। जाके देखा वहां पर तो उन प्यालों में जितनी चाय बची हुई थी वो ले जाकर उसने उस केतली में डाल दी। सर तो मैंने कहा ये क्या, तो उसने कहा क्या वेस्टेज करना है, क्या फजूल खोना है इसको, इतनी चाय बची दो तीन प्याले चाय बन गई। अब चाहे धर्म को छोड़ दें, शुद्धि शुद्धि को छोड़ दें, स्वास्थ्य मानेंगे कि नहीं, सबका जूठा खा लेने में एक का जूठा एक खा ले, इसमें कम से कम स्वास्थ्य, हम कहते हैं भाई ये दवा दिलाया चाहिए, अनकस्ट बाई हैंड है, हाथ छुई नहीं, क्यों नहीं छुई भाई, हाथों में जो ये विषाक्त परमाणु है ये कहीं इसमें आ न जाए, दूषित न हो जाए, तो हाथ में दूषित होगा तो जीव दूषित नहीं होगा, जीव के थूक दूषित नहीं होगा, पर ये उच्च स्तर के जीवन के ये स्वरूप है आजकल, उच्च स्तर के जीवन। हमने मनु महाराज का ब्रह्मचर्य आश्रम देखी और आज की यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल्स देखी, छात्रावास, वहां आकाश पाताल का बिल्कुल अंतर है, वहां जहां संयम ही संयम है वहां विलास ही विलास है, कितना अंतर है विलासी जीवन में। वहां देखिए जितनी विलास की सामग्रियां हैं, घर वालों से छिपा कर ला कर लूट कर चोरी कर, माता पिता ऋणी होकर लड़के के हॉस्टल का खर्च भेजते, वो लगता कायम है लगता है, जरा देखिए। और वो छात्रावास हमारा देखिए, पुराना ब्रह्मचर्य आश्रम का मनुप्रोक्त,
तो जीवन का स्तर ऊंचा कौन सा? संयम में, मानवता में, ब्रह्मचर्य में, सेवा में, त्याग में, तप में, अगर जीवन ऊंचा है तो जीवन ऊंचे स्तर का हुआ। इन सब का विनाश करके केवल अधिक से अधिक खर्च करके विलासी जीवन बनाना, ये अगर जीवन का ऊंचा स्तर है तो फिर हमने और पशु में क्या अंतर है? पशु के पास साधन नहीं है, है वो भी इंद्रिय परायण है, हमारे पास साधन है बुद्धि का और चीजों का, हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए नई सामग्रियां पैदा कर लेते हैं। तो सच्ची बात यह है, ये मानवता नहीं है, ये मानवता का अपलाप है, ये मानवता के विनाश का प्रयत्न है, जो हम सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक और करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज ऐसी है, एक समझने की चीज है। जब तक मनुष्य बुरे को बुरा समझता है ना, तब तक बुराई छूट सकता है। आज वो आए थे हमारे सुरतमणि नारायण त्रिपाठी, वो पहले कलेक्टर थे हमारे, अब वो पब्लिक सर्विस में है। उन्होंने एक बात हमसे कही, उस बार उन्होंने कहा, भाई जी पाप पहले भी होते थे, कमजोरियां पहले भी थी, भूल पहले भी होती थी, पर भूल करके भूल करने वाला भी पछताता था और समाज भी कहता था कि भाई तुमने भूल किया है, आइंदे मत करना ऐसा। आज हम अपराध करके गौरव का बोध करते हैं कि हमने बड़ा काम कर लिया और समाज के लोग हमारी पीठ ठोकते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम बहादुर हो। ये चीज जब समाज में आ जाती है, उस समाज की भलाई कैसे हो, उसका स्तर ऊंचा कैसे हो। धन का ऊंचा स्तर, ऊंचा स्तर नहीं तो राक्षसों के पास भी होता है, लुटेरों के पास धन बहुत हो जाता है, उससे क्या होता है? ये ऊंचा नहीं। विलास की सामग्रियां अधिक पैदा हो जाए, अधिक पास हो जाए, स्तर ऊंचा नहीं। स्तर ऊंचा है जिसका हृदय ऊंचा, जिसका जीवन ऊंचा, जिसका चरित्र ऊंचा, जिसका आचार ऊंचा, उसका ऊंचा स्तर है। तो ये ऊंचा स्तर भोग कामना से नहीं होता। जितनी भोग कामना बढ़ेगी, हमारा आदर्श था पहले त्याग, भित्ति त्याग हमारी और परिवसान हमारा त्याग में, शुरुआत त्याग से और परिवसान त्याग में, बीच में वो जो भोग, वो भोग भी त्याग मुखी, त्याग के लिए ही वो भोग। इस प्रकार का जब जीवन था, तब जीवन में सुख था, तब जीवन में वास्तविक शांति थी। ये 100 वर्ष से मशीन युग आया, पैसा बढ़ा ये हम जानते हैं, पर क्या शांति आई? विज्ञान देवता के हम जिसकी पूजा करते हैं, वो पूजनीय अवश्य है, पर विज्ञान को जिस दिशा में आज हम ले गए, उस विज्ञान ने हमारे उच्च स्तर का विनाश किया या विकास किया? तो सच्ची बात यह है कि जब तक हमारी बुद्धि, जब तक हमारी मति, जब तक हमारे जीवन की गति भगवान की ओर नहीं होती, तब तक मानवता की प्राप्ति नहीं होगी, मानवता की रक्षा नहीं होगी, मानवता बढ़ेगी नहीं। मानवता के नाम पर दानवता खेलेगी, जहाँ लोभ, जहाँ काम और जहाँ क्रोध, ये जीवन में तीन जीवन के आश्रय होकर के आ गए, जीवन के स्वरूप बन करके आ गए, वहाँ पतन अवश्य होगा। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् तात तीर्यति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। ये तीन त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारं नाशनम् आत्मनः, आत्मा का पतन करने वाले, आत्मा का विनाश करने वाले, ये तीन नरक के दरवाजे हैं। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारं नाशनम् आत्मनः, एक काम, एक क्रोध और एक लोभ। जिनके जीवन में, हमारे जीवन में अगर हम इन्हीं की परायणता में आ गए, ये हमारे जीवन के संबल बन गए, ये हमारे जीवन के सहायक बन गए, ये हमारे स्वभाव में आ गए, तो उत्थान कैसे होगा? फिर तो हम पतन को उत्थान समझेंगे, दुर्गति को प्रगति समझेंगे, विनाश को विकास समझेंगे।
विनाश को विकास मान लिया, दुर्गति को अधोगति को प्रगति मान लिया, पतन को उत्थान मान लिया। तमोगुणी जब बुद्धि होती है, भगवान ने कहा तब अधर्मम धर्म मिथिया मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। बुद्धि तामसी हो जाती है तब क्या होता है, सब चीजें उल्टी दिखती, धर्म अधर्म दिखता है, पुण्य पाप दिखता है, सदाचार सदाचार दिखता है, उन्नति अवनति दिखती है, विकास विनाश दिखता है, और मनुष्य उल्टे मार्ग पर चलकर अपने को गिरा लेता है। तो ये सबसे पहली चीज है आज के जगत में आवश्यक। हमारा जीवन किस ओर जा रहा है इसको हम देखें, हम किस ओर जा रहे हैं उन्नति के नाम पर, हमारे जीवन की गति किस ओर है जरा देखिए। मैं किसी की आलोचना वैसे नहीं करता, सच्ची बात। अमुक काम के लिए लाख रुपया लगा जा रहा है, लगेगा, बड़ा अच्छा वो काम हो जाए, उस लाख रुपए के लगाने वाले में हम पांच आदमी हैं, हम पांचों ने ये तय किया कि 50 तो लगाना है, और 50 हम लोगों को न्यूनाधिक रूप में बांट लेना है और बिल पूरे बना देने हैं। अब वो विकास का कार्य हो गया, लाख रुपए पूरे लग गए, बिल बन गया, वो चीज बनी, पर सच बताइए ये विकास हुआ या विनाश हुआ? हम पांचों के पास 50,000 रुपए आए, इनमें हमारा विकास हुआ या विनाश हुआ? और लाख रुपए की चीज पर 50,000 लग के वो नकली चीज बनी, ये विनाश हुआ या विकास हुआ? और ये आज कटु सत्य है, पर सत्य है 100 में से 80 जगह ये हो रहा है, ये मैं जानता हूं, इस बात को सब जानते हैं। तो ये विकास है कि विनाश है? नैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, जहां इस प्रकार होता है वहां क्या होता है? तो ये जब तक होता रहेगा तब तक चाहे हम लाख विकास की बात करें, उन्नति की बात करें, उन्नति होगी कैसे? हमने चीजें बांट ली, मान लिया बांट ली, पर बांटने में जो माने की उसके बाद एक दूसरे की छीनने में लगेंगे, कैसे विकास होगा? जब तक ये दो चीज पहले थी, वो दो के स्थान में दो नहीं आ गई, कर्तव्य और त्याग, जहां कर्तव्य था उसके स्थान में आज अधिकार आ गया, और जहां त्याग था उसके स्थान में आज अर्थ आ गया। त्याग का स्थान अर्थ ने ले लिया और कर्तव्य का स्थान अधिकार में ले लिया। अगर कर्तव्य का पालन अपना अपना सब करे तो सब के अधिकार सुरक्षित रह जाते हैं अपने आप, और अगर त्याग करे तो अर्थ पीछे पीछे आता है। लेकिन उल्टा, राम ने, राम का जीवन देखिए, भरत का जीवन देखिए, कर्तव्य निष्ठ, तो दोनों के विकार रहे और संघर्ष हुआ नहीं, और राम भरत के प्रेम की कहानी आज भी हम लोग बांचकर पढ़कर पवित्र होते हैं और होते रहेंगे, सदा सदा होते रहेंगे। क्या था? त्याग था और कर्तव्य निष्ठा थी, ये दो चीज थी। इसके स्थान पर जो अधिकार लिपता, सब जवाहरलाल बनना चाहें कैसे बनेंगे, लड़ाई होगी ही, होती है। सब मेंबर बनना चाहेंगे पार्लियामेंट के, कैसे होंगे, वो तो लिमिटेड नंबर है, संख्या है परिमित, कैसे होंगे? सब अमुक अमुक मिनिस्टर बनना चाहेंगे, कैसे होंगे? पर अगर सबकी वो लिप्सा, ये लिप्सा आज की वो राजनीतिक दृष्टि से डेमोक्रेसी में प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार के ख्वाहिश कर सकता है, ये माना, परंतु वो उसमें अगर नियत बुरी हो जाए तब क्या होगा? वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बन जाती है।
डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बन जाती है। होता है वहां पर प्रशासकता, क्या होता है फिर संघर्ष। हम जो संघर्ष होना बुरा नहीं है, संघर्ष को हम किसी अंश में जीवन का आवश्यक अंग मान सकते हैं, कहीं कहीं उसकी आवश्यकता होती है, पर संघर्ष हो हमारा बुरे के साथ। हमने तो पिछले दिनों कहा था जब युद्ध हो रहा था कि भाई देवासुर संग्राम नहीं है, ये असुरासुर संग्राम है, ये सुंदर सुंदर लड़ रहे हैं आपस में, इसका परिणाम तो बहुत अविनाश है। देवासुर में तो जहाँ धर्म है, जहाँ नीति है, जहाँ सत्य है, उसकी जय होगी, तो जहाँ दो असत्य लड़ रहे हैं आपस में, वहां क्या होगा, दोनों का विनाश होगा, दोनों असत्य हैं, असत की सत्ता नहीं, दोनों लड़ेंगे, दोनों मरेंगे। तो ये जगत में जब तक होता रहेगा इस प्रकार से, तब तक व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का विनाश अवश्यंभावी। जो उद्योग पर्व चल रहा है आज, ये समाप्त तो नहीं हुआ तो भीष्म पर्व आएगा ही। ये नए नए ये आविष्कार और परीक्षण हो रहे हैं और सब लगे हैं। अभी हमने उस दिन पढ़ा कि फ्रांस ने भी और कोई वो बना लिया, वो भी परीक्षण करने जा रहा है। टर्की ने बना, वो परीक्षण करने जा रहा है। अब देखिए ना, ये जो जाहोड़ लगा की कि किस तरह से अधिक मनुष्यों का कम से कम समय में विनाश करने का हम कोई न कोई साधन निकाल लें, इस उद्योग पर्व का परिणाम क्या होगा, उद्योग पर्व के बाद महाभारत में क्या हुआ, नेक्स्ट क्या है उसके बाद, भीष्म पर्व आया, महाविनाश आ गया। तो ये थी, तो जब तक हमारे मन में ये महाविनाश है, जब तक हम एक दूसरे की अवनति पर अपनी उन्नति चाहते हैं, दूसरे के सत्य को छीन कर सत्वाधिकारी बनना चाहते हैं, दूसरे के घर को जलाकर उसके भस्मावशेष पर अपना महल खड़ा करना चाहते हैं, वहां क्या हमारा महल खड़ा रहेगा, वहां क्या हमारी विजय होगी, वहां क्या हमें सफलता प्राप्त होगी, कभी नहीं हो सकती। जैसा हम चाहते हैं उसे दूसरा भी चाहता है, हम चाहते उसका विनाश करके हम सुखी हो जाएं, वो चाहते इसका विनाश करके हम सुखी हो जाएं, परिणाम क्या होगा, दोनों का विनाश होगा। पर यदि दोनों चाहें कि हम त्याग करें और इसकी उन्नति हो जाए, वो कहे हम त्याग करें इसकी उन्नति हो जाए, दोनों की उन्नति होगी, दोनों में त्याग होगा, तो सुख जो है ना कि त्याग में है, अधिकार में नहीं, छीना झपटी में नहीं। और अधिकार जो है ये कर्तव्य में है, अपने आप कर्तव्य का पालन करिए, अधिकार अपने आप जिसका जो है अपने आप आ जाएगा। हमारा कर्तव्य किसी को छीने नहीं, उसका अधिकार रखें, अपने आप रहेगा, स्वाभाविक बात। तो इसलिए मानवता की सिद्धि के लिए ये परम आवश्यक है कि मनुष्य की भोग वृत्तियां संयमित हों और वृत्तियों का प्रवाह भगवान की ओर चलने लगे, तो हमारा अर्थ, हमारा समाज, हमारी लौकिक चेष्टाएं भगवत अभिमुखी हो जाएंगी। और भगवत अभिमुखी चेष्टाएं जो हैं, वो सब के सब भगवान की पूजा बन जाएंगी। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, फिर हमारे कर्म से भगवान की पूजा होगी, और जब भगवान की पूजा होगी तो परम सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। सिद्धिं विन्दति मानव, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर और सिद्धि की प्राप्ति हम कर सकेंगे। तो मानवता की सिद्धि हमें पहले करनी चाहिए। तो उसमें क्या है, मानव में भगवान की ओर जब प्रगति होगी तो मानव धर्म का विकास होगा, मानव धर्म का। और हम छोड़ दें और चीजों को, लंबी व्याख्याओं को, यूं तो ये यमनियम, दैवी संपत्ति, भागवतोक्त, साधारण धर्म, ये सभी एक सी चीजें हैं, ये गीता की दैवी संपत्ति। पर सबसे पहले हम मनु के 10 धर्मों को ले लिया, मनुपोक्त जो 10 धर्म हैं, ये मानव धर्म है,
इनका विकास यदि न हो मानव में तो मानव की मानवता सिद्ध नहीं होती, और मानवता सिद्ध नहीं होती तब तक वो मानवोचित जीवन नहीं पा सकता, और मानवोचित जीवन नहीं होगा तो पिशाच पशु दानव वो कुछ भी बना हुआ वो समाज में उपद्रव करता रहेगा। मानव प्राणी, मानव प्राणी शांत होकर के सुसंयत जीवन होकर के समाज की सेवा में लगे तो समाज को ऊंचे से ऊंचा ले जा सकता है, और मानव प्राणी पशु पिशाच होकर यदि समाज में उपद्रव करने लगे तो समाज सारा अस्तव्यस्त होगा, विध्वस्त होगा, समाज में अशांति फैलेगी, समाज में संघर्ष अनुचित संघर्ष होगा, अन्यायपूर्ण संघर्ष होगा, और उसका उसका परिणाम विनाश होगा। तो यहाँ का विनाश विनाश नहीं है, सच्चा विनाश है आध्यात्मिक विनाश। यहाँ का विनाश भी हो जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें तो ये विनाश भी हमारे लिए वांछनीय हो सकता है, ये विनाश भी आदरणीय हो सकता है। पर जहाँ हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो गया है, जहाँ हमारे मानस का स्तर नीचा गिर गया, ये कल हमने कहा था कि शरीर के पास शरीर के रोग मरने के साथ मर जाते हैं, कोर हो बड़े से बड़ा और रोग हो, जब हम मरे शरीर मरा तो रोग मर गया, पर मानस रोग मरने के बाद साथ जाते हैं। मन के रोग जो हैं ये मरने के बाद मरते नहीं हैं, ये सूक्ष्म शरीर में ये साथ रहते हैं संस्कार बनकर। देखते हैं कोई बच्चा बड़ा गुस्सैल होता है, कोई गाय बहुत मारने वाली होती है, कोई बड़ी सीधी होती है, ये क्या ये जितने स्वभाव आते हैं ये पूर्व संस्कार वश आते हैं। तो ये मन के रोग मरने के बाद भी साथ रहते, तो मन के रोग अगर हमारे नहीं मिटे, मन के रोग हमारे बढ़ते रहे तो हमारी कोई उन्नति उन्नति नहीं, हमारा कोई विकास विकास नहीं, हमें मानवता की प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा है या जिससे अच्छा होता हम मानव न बनते, जहां थे वहां तो रहते ना। मनुष्य बने कुछ आगे बढ़ने के लिए, और मूल की पूंजी खो चले और इतना ऋण बढ़ा चले तो फिर जन्म जन्मांतर में उसे उतारना पड़ेगा। तो ये हमारा पतन है कि उत्थान, ये हमारी भलाई है कि बुराई, ये हमारी प्रगति है कि अधोगति। तो सोचिए हम धन कमाने के लिए आए, लाख रुपया लेकर के आए, मान लीजिए हमको मालिक ने भेजा लाख रुपए ले जाओ और व्यापार करो, हमने यहां आकर के ऐसा दुर्व्यापार किया, दुर्व्यापार कि जिससे वो लाख की पूंजी तो खो ही दी, ऋण बढ़ाया और चोरियां की, तो फल क्या होगा, कर्जदार रहे और जेल भोगने के अधिकारी हो गए, दो बात हुई ना, लाख की पूंजी खोई और ऋण बढ़ाया और जेल खाने के अधिकारी हुए क्योंकि चोरियां की बदमाशियां की। तो मनुष्य गए मानवता का अधिकार लेकर, ये पासपोर्ट लेकर के आए हम पार होने के लिए, और यहां जो इस मानवता के अधिकार को तो खो दिया, और ऐसे ऐसे नए कर्म किए जिनका फल हमें बार बार भोगना पड़ेगा, और ऐसे दुष्कर्म किए जिनके फलस्वरूप हमें अधोगति अधम गति भोगनी पड़ेगी। गीता में एक श्लोक है, भगवान ने मानो एक ऐसा उसे ध्वनि निकलती है कि भगवान मानो जीव की दुर्गति पर दुखी होकर कहते, आशुल्यो निमापन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मन मान अप्राप्य जीव कौन से है तथो यान तथमाम गति कौन से है माम अप्राप्य। आया था मैंने इसको भेजा था मेरी प्राप्ति के लिए, तो मान अपराप मेरी तो प्राप्ति हुई नहीं, वो तो गया, वो जो लाभ था वो तो गया,
पर ऐसे कर्म किए तो होगा क्या? आसन जो निवासन मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, इन मूढ़ों ने ऐसे कर्म किए आकर के कि उसका फल होगा बार बार आसुरी योनियों के प्राप्ति। आया था देवत्व से भी ऊंचे उठकर परमात्मा सत्ता में पहुंच जाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आया था। परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, देवता बनना दूर रहा, मानवता नहीं मिलेगी, आसुरी योनि बार बार मिलेगी और उसके बाद भी ततः अधमाम गतिम्यान थी, इसके बाद नरकों में जाना पड़ेगा, अधम गतियों की प्राप्ति होगी। तो ये मानव जीवन की कितनी बड़ी विफलता है। अच्छा था मानव न बनता, जहाँ था वहीं तो रहता। जितने भी पशु पक्षी हैं ये मानवता की ओर बढ़ रहे हैं कर्मों का क्षय करके, भूख करके, और ये मानव यदि मानवता में आकर पशुता की ओर चला, पैशाचिकता की ओर अगर ये अग्रसर हुआ तो ये उन्नति हुई या अवनति हुई? ये मानव जीवन का साफल्य है या बड़ी भारी विफलता दुखदायी नहीं है? सोचिए। तो ये संसार में हम लोग आज किस ओर जा रहे हैं ये हमें देखना है। ये जो अंधे हो करके भोगों की ओर हमारी प्रवृत्ति है, और केवल भोगों की प्रवृत्ति हमको इस प्रकार से वो अंधेरे में ले जा रही है कि हम उसमें प्रकाश तो पाते नहीं है। जहां तहां भटक भटक कर हाथ डाल डाल करके कहीं नरम दम समझ के बिच्छू को सांप पकड़ लेते हैं, कहीं मीठा समझ के विष पी जाते हैं। विष भगवान ने कहा भाई विषय इंद्रिय संयोगात यत् दग्री अमृतोपमं परिणामे विषमेव संस्मृतम। जितने राजस्व है क्या है, जब संयोग होता है विषय साथ इंद्रिय का उससे मालूम होता है बड़ा अमृत है, मीठा मालूम होता है, पर परिणाम जहर का सा होता मार देता है। तो ये हमारी दशा, हमारा जीवन विषयाभिमुख, भगवान को भूल गए। हमारे जीवन में आज केवल आज एक लड़का आया हमारे पास, हमारे घर का लड़का है कलकत्ते से, उसने बताया कि भाई जी हमारा जीवन जो है वो तो केवल पैसे को देखता है, सवेरे उठते हैं उस समय से लेकर के रात को सोने तक पैसे के सिवा कुछ देखना नहीं, कुछ चिंतन करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, मित्रों से भी उनसे नहीं मिलना चाहते, जहाँ मित्रता से पहले पर जहाँ पैसे का संपर्क नहीं, मित्रता से भी कोई मतलब नहीं। वो लड़का बैठा होगा यहीं अभी, उसने बताया नौजवान लड़का। तो ये बात क्या है, जीवन इस प्रकार का हमारा बन गया कि हमारे जीवन में आज चारों तरफ केवल भोग हैं, केवल भोग को हम देखते हैं, भोग को सुनते हैं, भोग का स्पर्श करते हैं, भोग को सूंघते हैं, भोग को चखते हैं, हमारा भोग को सोचते हैं, बुद्धि हमारी भोग में लगी, मन हमारा भोग में लगा, इंद्रियां हमारी भोग में लगी, होगा क्या इसका परिणाम? क्या जरा सोचे, मालूम नहीं होता। जब आदमी अंधा होकर चलता है ना, तब उसे पता नहीं लगता कि किस गड्ढे की ओर जा रहा है, गड्ढा नहीं दिखता उसे, वो तो देखता है प्रमत्त होकर के, उन्मत्त हो गया, बुद्धि मारी गई, पीतवा मोहमयी प्रमाद मजरा मनमत्त भूतम जगत, उन्मत्त भूतम जगत, सारा जगत उन्मत्त होकर के मोह की ये मजरा से करके पागल हो गया। बस कौन कहे, समझाए कोई जो समझाने वाला मूर्ख, समझाने वाला बेवकूफ, कौन कहे कौन समझाए, कुएं भांग पड़ी। पर ये दशा सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। वोटरों के बल से ईश्वर को आप कर दीजिए, उनके ईश्वर नहीं है, पर उससे क्या कोई हजार हजार मूर्ख बैठ करके प्रस्ताव पास कर लें कि हम सूरज को नहीं मानते, न मानो पर तुम्हारे न मानने सूरज गुना बंद हो जाएगा क्या? हम सत्य नहीं मानते, तुम्हारे न मानने से क्या सत्य नष्ट हो जाएगा? तुम सत्य को न मानकर सत्य से वंचित रह जाओगे तभी सत्य तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें सिर के सत्य बोलेगा, क्योंकि सत्य है सत्य। लेकिन सत्य मिट नहीं सकता, इसी प्रकार से
संसार में भगवान मिट नहीं सकते, सत्य मिट नहीं सकता, धर्म मिट नहीं सकता। हम नहीं माने हमारी हानि होगी, हमारा नुकसान होगा। इसलिए जो लोग समझना चाहते हैं, जो लोग अपनी वास्तविक उन्नति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, देश का भी उत्थान चाहते हैं, आज देश के उत्थान में ये कहने की बड़ी आवश्यकता है कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ, भौतिक उन्नति के साथ साथ, हमारी पंचवर्षीय स्कीमों के साथ साथ एक ये बात भी रखो कि हमारी चारित्रिक उन्नति हो, हमारा मानवता का स्तर ऊंचा हो। पैसा हम प्राप्त कर लेंगे और बेईमान बन गए तो क्या होगा? हमारी सड़कें बहुत बन गई तो सड़कों पर डाके डालते घूमेंगे हम तो क्या होगा? कारखाने बहुत बन गए पर कारखाने अगर गरीबों को लूटेंगे तो क्या होगा? मनुष्य में मनुष्यता पहले आनी चाहिए, ये चीज हमें बड़ी आवश्यक है। आज सबसे पहले ये साथ रहेगी तो भौतिक उन्नति भगवान के अनुकूल रहकर पूजा की सामग्री जब बन जाता है अर्थ, तब तो होता है वो ठीक। और अर्थ यदि कहीं भगवान का स्थान, भगवान का शब्द बह जाता है तो अर्थ पर वो मार डालता है, वो स्वयं विषय है। तो इसलिए ये चीज साथ है। ये हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सारे कर्मों से भगवान की पूजा करें, और इसका कैसेट संख्या है 38।